Hello friends, Hello you are friends, watching hello the friends, Viva you are Frank watching Abra, the Viva Viva Frank Working Abra, Friends. Viva Frank Abra. देश को और आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है और इसलिए जो भी कसर रह गई हो, कहीं गति धीमी रह गई हो, कहीं प्राथमिकता आगे पीछे हुई हो, उसको पूरा करने के लिए मैं फिर एक बार आपका आदेश लेने के लिए आपके सामने आया हूं। आपका आशीर्वाद लेने के लिए फिर एक बार आपके पास आया हूं। साथियों, 11 अप्रैल को जब असम के आप सभी साथी अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपको एक और बात याद रखनी है। रखोगे ना? याद रखोगे ना कि भूल जाओगे? असम को, हिंदुस्तान को, मुस्लिम बेटियों को, आतंकियों से मुक्त कराने का काम घुसपैठियों से, आतंकियों से मुक्त कराने का काम कौन कर सकता है? एक दमदार चौकीदार और दूसरी तरफ महा के ही वीर वीरांगनाएं थे जिन्होंने गुलामी के उस कालखंड में पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर अपना साहस दिखाया था। यहीं पर हमारे जनजातीय क्रांति वीरों ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। साथियों, बहुत से वीरों ने अपने बलिदान से असम को मजबूत किया है। इनकी प्रेरणा से बीते 5 वर्षों में घुसपैठियों और आतंकियों पर जिस तरह का नियंत्रण लगाया गया है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? जरा पूरी ताकत से बताइए, ऐसा हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ है? अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये कैसे संभव हो रहा है? दुश्मन के घर में घुस करके मारने की ताकत कहां से आई? कहां से आई? ये ताकत आपके आशीर्वाद की ताकत है, आपके साथ की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। लेकिन महामिलावट करने वालों के अतीत और वर्तमान को देखें, इतना तय है कि अगर ये लोग होने वाले नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी थोड़ी सी भी अगर मजबूती आई तो आप मेरे शब्द लिख लेना, ये ऐसे लोग हैं, ये फिर से असम को उस पुरानी मुसीबतों में झोंक देंगे। मैं बताता हूं आप, यहां बैठे बुजुर्ग लोग याद करें, युवा साथियों से मेरा आग्रह है, जरा अपने बुजुर्गों से पता करें कि कांग्रेस ने कैसे असम को हर बार ठगा है, हर बार धोखा दिया है, हर बार असम के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। वो इतने किस्से सुनाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। क्या ये सच नहीं है?
कि अगर सरदार पटेल न होते, अगर श्रद्धेय गोपीनाथ बरदलोई ने न होते तो असम की वो पहचान नहीं होती जो आज है। इनकी नीति तो ऐसी रही कि तेजपुर सहित देश का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे वीर सैनिकों और यहां के वीर लोगों के हौसले के दम पर ही बच पाया। 70 के दशक में घुसपैठ को रोकने के लिए तब की सरकार ने जिस तरह का काम किया उसका परिणाम तो असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट आज भी भुगत रहा है। आज जब कांग्रेस की इन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए आपका ये चौकीदार प्रयास कर रहा है, तब कांग्रेस के लोगों को और इनके साथियों को बड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, जैसे उनके परिवार का कोई नुकसान हो रहा हो। भाइयों और बहनों, ये जनसंघ ही था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे तमाम बड़े नेता ही थे जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय हर मुद्दे हर समस्या का समाधान करने के लिए आवाज उठाई थी। हमने राष्ट्रहित में बांग्लादेश की आजादी के लिए तब की सरकार के उठाए कदमों का खुलेआम समर्थन किया था। उस समय हमारे सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया था उसके बाद भारत कोई भी फैसला करा सकता था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार वो भी नहीं कर पाई। साथियों, आज की स्थिति देखिए, आज भारत अपना दम दिखा रहा है, हमारे वीर जवान अपना दम दिखा रहे हैं, पुरानी नीति और रीति को भारत अब बदल चुका है, पूरी दुनिया भारत के साथ है कि नहीं है? आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हमें पूरा समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी दुनिया से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे हर कदम की सराहना हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन हमारे घर में ही ये महामिलावटी की जमात इस गौरव के अंदर, इस गौरवपूर्ण बातों में अपना सूर मिलाने के लिए तैयार नहीं है, वो कोई दूसरे ही बाजे बजा रहे हैं। और हालत तो इतनी खराब हो चुकी है मेरे भाइयों बहनों, इस चौकीदार का विरोध करते करते वे अब भारत का भी विरोध करने लगे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जवाब देंगे? जवाब देंगे? ऐसे गिल्ले लगा के लोग नहीं देंगे। जवाब देंगे? भारत का विरोध करने वाला तो साफ असल में क्या? भारत का विरोध करने वाले सबका हित कर सकते हैं क्या? ऐसे लोग घुसपैठ की समस्या हल कर सकते हैं क्या? बसता है जिसके दिल में भारत बसता है। आप देख रहे हैं कि केंद्र और असम को विकास का डबल इंजन मिल जाने के अब कितनी तेज गति से विकास हो रहा है। सर्बानंद सोनोवाल जी की अगुवाई में यहां चल रही एनडीए की सरकार हर प्रकार से असम की आकांक्षाओं और सपनों को विस्तार दे रही है। साथियों, इस डबल इंजन की ताकत से ही आज असम में गरीबों का 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में सुनिश्चित हुआ है।
गरीबों को पक्के घर मिल रहे हैं, गरीब बहनों को एलपीजी गैस कनेक्शन मिल रहे हैं और किसानों को साल में 3 बार बैंक खाते में सीधी मदद दी जा रही है। हजारों किसान परिवारों को पहली किस्त जो बाकी रह रहे हैं उनको भी जल्द ये मदद पहुंचने वाली है। साथियों, चाय के बागान में काम कर रहे कामगारों के लिए भी पूरी संवेदना के साथ काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इसको और विस्तार दिया जाएगा। चाय बागान में काम करने वाले साथियों के लिए ही इस चौकीदार ने पीएम श्रमयोगी मानधन योजना बनाई है। इस योजना से जुड़े लोगों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3000 रुपए की नियमित पेंशन सुनिश्चित होगी। साथियों, गरीबों और किसानों के साथ साथ यहां गांवों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। ब्रह्मपुत्र पर 5 नए ब्रिज बनाने की स्वीकृति सरकार ने दी है, जिसमें से एक गोपुर नुमालीगढ़ ब्रिज भी शामिल है। ये पुल भी बोगीबिल और भूपेन हजारिका सेतु की तरह यहां के लाखों लोगों के जीवन को आसान बनाएगा। तेजपुर से गोपुर तक 4 लेन हाईवे हो, तेजपुर सिलगढ़ के बीच ब्रॉडगेज रेलवे लाइन हो, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम या तो हो चुका है या फिर काम आखिरी चरण में पहुंच चुका है। भाइयों और बहनों, असम के हित और असम की अस्मिता की रक्षा ये चौकीदार ही कर सकता है। आपको भरोसा है कि नहीं है? आपको इस चौकीदार में भरोसा है? एक चौकीदार ऐसा है जिस पर आपको प्यार है और उनको खौफ है। अगर कांग्रेस की नीयत होती तो इतने वर्षों में वो तमाम समस्याओं का समाधान कर सकती थी। आपने तो यहां से प्रधानमंत्री भी दिया था कि नहीं, याद है कि नहीं है? आपको मालूम है ना प्रधानमंत्री यहां से थे? ये ऐसे प्रधानमंत्री थे कि आसाम के लोगों को याद भी नहीं रहा। साथियों, यहां के महान संतान लासित बोरफुकन ने उन्होंने एक बात कही थी और बड़ी मजेदार बात कही थी। उन्होंने कहा था, देहो को मोमाई डांगर न होई। मतलब कोई भी मामा देश से बड़ा नहीं होता, लेकिन कांग्रेस के लिए हर वो मामा देश से बड़ा है जो उनके स्वार्थ में उनका साथ देता है। और कितने नाम हैं? मिशेल मामा, पत्रोची मामा, न जाने मामाओं की ही भरमार है जिनके लिए इन्होंने देश तक को दांव पर लगा दिया। 11 अप्रैल को आपको बोरफुकन जी की बात पर अमल करना है। करोगे? ये मामा भांजे के चक्कर से देश को बाहर निकालोगे? चौकीदार को मजबूत करके असम और देश के दलालों
और घुसपैठियों के इन हमदर्दों को कड़ा संदेश। आप देखिए क्या कमाल हो जाता है भाइयों, इतने बड़े तादाद में आशीर्वाद देने के लिए आए, मैं आभार व्यक्त करता हूं। ये आपका साथ सहयोग मुझे 5 साल काम करने के लिए बड़ी ताकत देता रहा है और उसी समर्पण भाव से आने वाले 5 साल भी आप ही के लिए खपा देना चाहता हूं। बस आपके आशीर्वाद मांगता हूं, आपका साथ मांगता हूं, आपका सहयोग मांगता हूं। और भाइयों बहनों, मैं एक चौकीदार हूं, मैं एक चौकीदार हूं। आप भी है ना, आप भी है ना, तो मैं बोलूंगा चौकीदार, आप बोलेंगे मैं भी। देश को और आगे ले जाने के लिए बहुत कुछ करना जरूरी है और इसलिए जो भी कसर रह गई हो, कहीं गति धीमी रह गई हो, कहीं प्राथमिकता आगे पीछे हुई हो, उसको पूरा करने के लिए मैं फिर एक बार आपका आदेश लेने के लिए आपके सामने आया हूं, आपका आशीर्वाद लेने के लिए फिर एक बार आपके पास आया हूं। साथियों, 11 अप्रैल को जब असम के आप सभी साथी अपना वोट डालने पोलिंग बूथ पर जाएंगे तो आपको एक और बात याद रखनी है। रखोगे ना, याद रखोगे ना कि भूल जाओगे? असम को, हिंदुस्तान को, आतंकियों से मुक्त कराने का काम और दूसरी तरफ ये सोफिया के ही वीर वीरांगनाएं थे जिन्होंने गुलामी के उस कालखंड में पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराकर अपना साहस दिखाया था। यहीं पर हमारे जनजातीय क्रांति वीरों ने देश की आजादी के लिए सर्वस्व न्योछावर कर दिया। साथियों, बहुत से वीरों ने अपने बलिदान से असम को मजबूत किया है। इनकी प्रेरणा से बीते 5 वर्षों में घुसपैठियों और आतंकियों पर जिस तरह का नियंत्रण, लगाया गया है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? जरा पूरी ताकत से बताइए, ऐसा हुआ है? ऐसा पहले कभी हुआ है? अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैसे हो रहा है? ये कैसे संभव हो रहा है? दुश्मन के घर में घुस करके मारने की ताकत कहां से आई? ये ताकत आपके आशीर्वाद की ताकत है, आपके साथ की ताकत है, आपके समर्थन की ताकत है। लेकिन महामिलावट करने वालों के अतीत और वर्तमान को देखें, इतना तय है कि अगर ये लोग
होने वाले नहीं है, लेकिन अगर गलती से भी थोड़ी सी भी अगर मजबूती आई तो आप मेरे शब्द लिख लेना, ये ऐसे लोग हैं, ये फिर से असम को उस पुरानी मुसीबतों में झोंक देंगे। मैं बताता हूं आप, यहां बैठे बुजुर्ग लोग याद करें, युवा साथियों से मेरा आग्रह है, जरा अपने बुजुर्गों से पता करें कि कांग्रेस ने कैसे असम को हर बार ठगा है, हर बार धोखा दिया है, हर बार असम के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। वो इतने किस्से सुनाएंगे कि आप हैरान हो जाओगे। क्या ये सच नहीं है कि अगर सरदार पटेल ना होते, अगर श्रद्धेय गोपीनाथ बरदलोई ने ना होते तो असम की वो पहचान नहीं होती जो आज है। इनकी नीति तो ऐसी रही कि तेजपुर सहित देश का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ और सिर्फ हमारे वीर सैनिकों और यहां के वीर लोगों के हौसले के दम पर ही बच पाया। 70 के दशक में घुसपैठ को रोकने के लिए तब की सरकार ने जिस तरह का काम किया, उसका परिणाम तो असम और पूरा नॉर्थ ईस्ट आज भी भुगत रहा है। आज जब कांग्रेस की इन ऐतिहासिक भूलों को सुधारने के लिए आपका ये चौकीदार प्रयास कर रहा है, तब कांग्रेस के लोगों को और इनके साथियों को बड़ी तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, जैसे उनके परिवार का कोई नुकसान हो रहा हो। भाइयों और बहनों, ये जनसंघ ही था, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे हमारे तमाम बड़े नेता ही थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आजादी के समय हर मुद्दे हर समस्या का समाधान करने के लिए आवाज उठाई थी। हमने राष्ट्रहित में बांग्लादेश की आजादी के लिए तब की सरकार के उठाए कदमों का खुलेआम समर्थन किया था। उस समय हमारे सैनिकों ने जो पराक्रम दिखाया था, उसके बाद भारत कोई भी फैसला करा सकता था, लेकिन तब की कांग्रेस सरकार वो भी नहीं कर पाई। साथियों, आज की स्थिति देखिए, आज भारत अपना दम दिखा रहा है, हमारे वीर जवान अपना दम दिखा रहे हैं, पुरानी नीति और रीति को भारत अब बदल चुका है, पूरी दुनिया भारत के साथ है कि नहीं है? आज पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है कि नहीं खड़ी है? हमें पूरा समर्थन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? पूरी दुनिया से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हमारे हर कदम की सराहना हो रही है कि नहीं हो रही है? लेकिन हमारे घर में ही ये महामली मिलावटी की जमात इस गौरव के अंदर, इस गौरवपूर्ण